मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ शिवगर्ग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के लिए भी, 11th के लिए, 12th के लिए, आगे हायर स्टडी में बहुत। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। गोन, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब क्या है कि हम तीन साइड किसमें होती है? ट्रायंगल में। किसमें होती है? ट्रायंगल में। और ट्रायंगल भी कैसी होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए भाई? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 का हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द टर्म्स। इसमें टर्म्स आते हैं, क्या आते हैं? साइन थीटा, है ना, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा। दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दीज टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी वी यूज इन ट्रिग्नोमेट्री। एक तो नाइन चैप्टर में यही पढ़ेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। तो ये होता क्या है, ये कैसे इनकी वैल्यू इवेल्युएट करते हैं कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगल बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के है। और कैसी राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए कि एक एंगल क्या मान लिया मैंने, राइट। तो कोई भी ट्राइंगल मान ली मैंने, वो ट्राइंगल कैसी है मेरी? राइट एंगल। लेट ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल आपको एक थ्योरम है अपने पास। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अपने पास क्या होती है? तो जब हम पाइथागोरस की बात करते हैं तो पाइथागोरस ट्रायंगल क्या होता है, 90 के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटेन्यूज। एक साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और एक को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है ये क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज होती है इसका स्क्वायर AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इसको ऐसे कह सकते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी साइड होती है 90 के सामने होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये होता है हमारे पास क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अब हम बात करते हैं साइन कोस। तो मान लो यू ये एंगल है थीटा या ये एंगल है सी, सी एंगल मान लिया। क्या मान लिया? सी एंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन सी, इसके बाद करेंगे साइन सी, ठीक है भाई। साइन सी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब इस एंगल के सामने, इस एंगल की बात करते हैं, जो एंगल के सामने जो साइड होती है वो तो होती है परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात करते हैं 90 को छोड़ के, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ये तो हो गया। तो 90 के सामने जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो जो एंगल के सामने जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 के सामने जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और एक साइड बच गई, वो क्या हो गई? ऑटोमेटिक बेस हो गया। तो साइन सी। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताता हूं, इसको बोलते हैं, कई बच्चे अपने अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं, कई तो ऐसे इसको ऐसे बोलते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको ऐसे रहने दो,
इसको आप ऐसे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित जो है पी पी से होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको ऐसे परपेंडिकुलर, हर हर का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया पहला टर्म है साइन थीटा, जो भी है सी है तो सी, ठीक है भाई। तो साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, ये याद रखना, पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, तो ये पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और एच कितना है हमारा ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो गया भाई। नेक्स्ट है कोस सी, साइन के बाद नंबर आएगा कोस का, ये टर्म्स ध्यान रखना, साइन के बाद नंबर आएगा कोस का। कोस है सेकंड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बद्री अपॉन हर है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, बी अपॉन, तो बेस कौन सा अपना ये बी सी, अपॉन एच हाइपोटेन्यूज कौन सा अपना ए सी, हो गया। अब बात करते हैं टेन सी, टेन टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है इसमें ए पी, और बेस कितना है इसमें ए सी, बेस कितना अपना ए सी, हो गया। टेन सी, टेन सी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन सी अपॉन कोस सी, टेन सी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो होता है, साइन अपॉन कोस, इसको करके देखना, साइन साइन क्या अपने पास ए बी अपॉन ए सी, अपॉन कोस सी क्या, कोस सी बी सी अपॉन ए सी, ए सी क्या कैंसिल होगा ए सी, तो क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो इसमें आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी अपॉन बी सी, हो गया भाई। तो टेन को आपने याद रखा। अब आप बाबूजी तीन और बच गए, एक तो कोसेकेंट बच गया, एक सीकेंट बच गया, और एक क्या बच गया अपने पास कोट बच गया। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी अपॉन एच। अब आप एच अपॉन पी करो, क्या करो आप एच अपॉन पी, तो होगा कोसेकेंट, क्या होगा कोसेकेंट सी, इस एंगल का पी अपॉन एच तो होता है साइन, और एच अपॉन पी क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट को वन अपॉन साइन भी लिख सकते हो, वन अपॉन साइन सी, या वन अपॉन साइन सी, या साइन का उल्टा क्या होगा एच अपॉन पी, यहां से एच अपॉन पी, तो ये होगा ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन, हो गया कोसेकेंट हो गया। फिर क्या करेंगे हम करेंगे सीकेंट, क्या करेंगे सीकेंट सी, सीकेंट सी, सीकेंट बी अपॉन एस तो होता है कोस, और कोस का उल्टा होता है सीकेंट, तो इसको वन अपॉन कोस भी लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस सी, और कोस क्या है बी अपॉन एच, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, तो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, एच मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ए सी अपॉन बी सी। तो लास्ट बच गया अपने पास, वो है कोट सी, कोट होता है टेन का उल्टा, वन अपॉन टेन, इसको ऐसे कह सकते हो कोस सी अपॉन साइन सी, क्योंकि टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो कोट क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन, एक ही बात है। तो टेन था परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए पी, बी सी अपॉन ए पी। ये हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कोस टेन। अगर हमें साइन का ही पता है या कोस का ही एक ही पता है ना, एक एक से हम सारे बता सकते हैं, साइन पता होगा कुछ भी है, कोई भी एक रेशियो बता दो हमें, क्योंकि क्यों, क्योंकि एक कोई भी रेशियो है वो दो साइड्स का क्या है, एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन होगा कोस, तो दो साइड का क्या रेशियो है, दो साइड, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक हम कहां से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, हो गया। अब इसी तरह अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, कि सर आप ये बताओ, चलो आपने सी तो बता दिया, अब अगर हम एंगल ले दूसरा, एंगल क्या ले भाई दूसरा, कौन सा एंगल ले दूसरा, मान लो हम ए एंगल के बारे में बातें करें, किसके बारे में बातें करें, ए एंगल की, सर साइन ए बताओ इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो
तो जब इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो मैंने क्या कहा है कि 90 के सामने तो हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये रहा 90 के सामने हमेशा कौन सी साइड होती है भाई हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, जो एंगल होता है उसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। अब की बात परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस क्या होगा ये, बस यही बदलेंगे परपेंडिकुलर बेस ही बदलेंगे, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा 90 के सामने, एंगल हम इसकी बात कर रहे हैं तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइन ए, किसकी बात करेंगे साइन ए की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे भाई साइन ए हो गया, साइन ए बोलो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के बारे क्या है बीसी है और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, जो सी में कोस था ना वो ए में क्या हो गया साइन हो गया उल्टा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया। अब बात करते हैं कोस ए की, कोस ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसमें एपी और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें एसी। अब बात करते हैं टैन ए की, टैन ए इसको ए भी कह सकते हो आप, थीटा भी जो आपका मन करे, मैंने इसलिए ए था यहाँ पे, ए भी था यहाँ पे, सी था यहाँ पे, इसका हम कुछ नहीं बता सकते थे, टैन ए तो टैन ए क्या हो जाएगा पी अपॉन पी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका बी सी और बेस कितना है इसका ए बी, बी सी अपॉन ए पी हो गया। कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है किसका उल्टा साइन का, वन अपॉन साइन ए या साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है, एक ही बात है एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन पी, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, पंडित बद्रिक प्रसाद हर हर बोले पी अपॉन एच साइन बी अपॉन एच कोस पी अपॉन पी टेन उल्टा फिर एच अपॉन पी कोसिकेंट एच अपॉन पी सीकेंट और बी अपॉन पी कोट, साइन का उल्टा कोसिकेंट कोस का उल्टा सीकेंट टेन का उल्टा कोट, तो एच अपॉन पी एच अपॉन पी आपके क्या हो जाएगा एच कितना है ए सी अपॉन बी सी उल्टा हो जाएगा, सीकेंट ए सीकेंट ए तो सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का वन अपॉन कोस ए वन अपॉन कोस ए, तो कोस का उल्टा करते क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए पी ए सी अपॉन ए पी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कोट ए, ये क्या होता है टेन का उल्टा वन अपॉन टेन ए, टेन को हम ये भी लिख सकते हैं क्या साइन ए अपॉन कोस ए, इनको दोनों को डिवाइड करोगे ना ए सी से बी सी अपॉन हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हो कोस ए अपॉन साइन ए या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा ए बी ये इसको उल्टा कर दो अपॉन बी सी, तो ये हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। तो मेन है अपने पास ये फॉर्मूला याद रखो, जो 90 के सामने है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिस एंगल की बात करें अगर इस एंगल की बात करें जिसके सामने परपेंडिकुलर, अगर मैं ये एंगल कर रहा परपेंडिकुलर ये हो जाता है बेस ये हो जाता है, बस यही चेंज क्या होते हैं परपेंडिकुलर बेस, ये नहीं ये बोलेंगे नहीं वो तो हम एंगल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, अगर ए एंगल की बात करें ए के सामने परपेंडिकुलर, अगर ये बोलते तो ये परपेंडिकुलर होता ये क्या हो जाता बेस, ये हमारा क्या है भाई इसका साइन कोस टेन और ये सारे हो गया भाई। अब ये तो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और आइडेंटिटीज की, ठीक है। एंगल्स के बारे में बात करते हैं, एक टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस टेबल के हिसाब से हम क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे इसमें मान लिया थीटा है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा भाई 90 डिग्री हो गया। हम 10th क्लास में 90 डिग्री तक एंगल पढ़ेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साइन थीटा, यहाँ करेंगे साइन जीरो, किसकी बात करेंगे साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, पर कैसे याद रखेंगे हम, यहाँ पे जीरो लिख लो आप, यहाँ पे वन लिख लो, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री और यहाँ क्या लिख लो आप फोर, लिख लिया भाई जीरो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे अपॉन फोर, यहाँ पे भी अपॉन फोर, यहाँ पे भी फोर, यहाँ पे भी फोर और यहाँ पे
ये ट्रिक है, अगर किसी को नहीं पता तो ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर रूट, यहाँ पे स्क्वेयर रूट, सब करके करता आप स्क्वेयर रूट। 0/4 क्या होता है? 0, 0 का स्क्वेयर रूट कितना होता है? 0। 1/4, 1 का 1 और 4 का स्क्वेयर रूट क्या होगा? 2। पहले जो कैंसिल करो तो 1 का आ गया 1, 2 का क्या आ गया? रूट 2। 3 का आ गया रूट 3, 4 का स्क्वेयर रूट क्या होगा? 4, 1 और 1 का स्क्वेयर रूट क्या होता है? 1। तो मैं इसको कर रहा हूँ तो ये क्या आ गया? 0। ये आ गया मेरे पास 0, ये क्या आ गया मेरे पास? 1/2। ये क्या आ गया भाई? 1/√2। ये क्या आ गया भाई? √3/2। एंड लास्ट क्या आ गया मेरे पास? 1। लास्ट क्या आ गया मेरे पास? 1। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब बात करेंगे हम कोस की। कोस में कुछ नहीं करना, कोस में वहां से लग जाओ तो 90 पे था वो 0 पे होगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा √3/2, अब इसकी बारी 1/√2। अब ये मतलब कोस में उल्टा, जस्ट उल्टा प्रोसेस कर दो, तो पीछे से था वहां पे, स्टार्ट से आप शुरू कर दो। कोस 0 1, कोस 30 1/√3/2, कोस 45 1/√3, कोस 60 1/2 एंड कोस 90 0। अब बात करेंगे टेन। अब टेन बिल्कुल आसान है। टेन मान लो हमें टेन 0 निकालना है, क्या निकालना है? टेन 0। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस, तो साइन 0/cos 0 जितना है, साइन 0 कितना होता है? 0 और कोस 0 कितना होता है? 1। तो 0/1, तो कितना आ जाएगा ये? 0। कितना आ जाएगा भाई ये? 0। ऐसे ही इसको अपॉन ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही अपॉन करेंगे तो इससे कैंसिल 1, यहाँ से आ जाएगा √3 और यहाँ से आ जाएगा इन्फिनिटी। क्यों आ जाएगा इन्फिनिटी? हमें निकालना है टेन 90। तो टेन 90 क्या होगा? साइन 90/cos 90, और साइन 90 क्या होता है? 1, और कोस 90 क्या होता है? 0। तो समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। और 0/something 1, 0 को छोड़ के, 0 के अलावा यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 0। जिस नंबर के नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है भाई? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, जो चीज नहीं डिफाइंड। नेक्स्ट करते हैं कोट। क्या करते हैं भाई? कोट, ठीक है। तो कोट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है? टेन का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इन्फिनिटी। इसका उल्टा कर दो, √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका ये 1 है यहाँ पे, तो इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा? 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है सीकेंट या कोसीकेंट, कुछ भी रख लो। कोसीकेंट, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन पे पहुंच जाओ, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2/1, 2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1, हो गया भाई। नेक्स्ट है सीकेंट। सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2/1, और इसका रेसिप्रोकल 2/1, और इसका रेसिप्रोकल 0 का इन्फिनिटी। भाई 0 का रेसिप्रोकल कैसे? भाई 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/0, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा इन्फिनिटी। 0 को 0/2 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2/0, तो मतलब 0 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ऐसे हम टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, है ना। इसका रट्टे मारने से ये टेबल हमें याद नहीं होने वाली है। तो आप एक साइन की वैल्यू निकाल के वो 0 रख के 1 2 3 उसके अपॉन में 4 करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, फिर कोस के बता सकते हैं, उल्टा प्रोसेस है टेन की, कोट के, ये हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हमें 9th चैप्टर है उसमें हमें बहुत ये हेल्प करेगा। इसके बिना हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, हो गया भाई। अब और कुछ फॉर्मूलेज कर लेते हैं इसके। जैसे साइन (90−θ cos θ) होता है, साइन 90−θ cos θ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ये कहे कि साइन 90−20 बताओ, साइन 90−20 जितना होगी, साइन 70 होगा, बिल्कुल सही बात है, कितना होगा? साइन 70। अगर हम कोस में चेंज करना चाहते साइन 90 माइनस थीटा, जो यहां पे है वही यहां पे आया,
तो थीटा यहाँ पे कितना है 20, तो कोस में कितना हो जाएगा ये कोस 20, कोस 20 भी सही है और साइन 70 भी सही है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा होता है। सेकंड, कोस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। तो ध्यान रखना साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में 90 में। फॉर एग्जाम्पल कोस 90 माइनस 30, अगर कोस में ही बात करें तो 90 में 30 का कितने बच गए 60, पर अगर फॉर्मूले के हिसाब से निकालना हो तो क्या कोस 90 माइनस थीटा जो यहाँ पे वहां पे सेम, यहाँ पे क्या है 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30, कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा भाई थर्ड साइन 90 माइनस। अब करेंगे हम टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है भाई कोट थीटा, क्या होता है भाई ये कोट थीटा। एग्जाम्पल फिर वही है, ऐसे कर लेना। फोर्थ है कोट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। कोट होता है किस में चेंज, जो एंगल आया है वन है तो वन, टू है तो टू, कितना ही हो ठीक है, टेन होता है कोट में चेंज, कोट होता है टेन में चेंज। नेक्स्ट चीज सीकेंड 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस सीकेंट थीटा। एंड नेक्स्ट चीज कोस सीकेंट 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा भाई सीकेंट थीटा, ये क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो आप ये ध्यान, हम कर रहे हैं इसका बेसिक, इसके पहले इसके बेसिक सारे पढ़ लेते हैं फिर हम क्या करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन से करें, हो गया भैया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें एक और है उसमें और कर लेते हैं हम ये थोड़ा सा, ये यहां से इंट्रोडक्शन ठीक है। ध्यान रखना भैया फॉर्मूले हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, ये क्या होता है भाई वन होता है, क्या होता है वन। यहां से अगर हमें साइन स्क्वेयर निकालना हो, क्या निकालना हो साइन स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, क्योंकि इस साइड क्या हो जाएगा माइनस। या अगर यहां से हमें कोस स्क्वेयर निकालना हो तो क्या हो जाएगा वन, ये इस साइड चला जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। और अगर साइन निकालना हो यहां से, क्या निकालना हो साइन, तो साइन क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वेयर है, तो अंदर स्क्वेयर रूट लूंगा इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स का अंडर रूट। प्लस माइनस भी यहां पे कर सकते हो पर टेंथ में हम क्या करते हैं बेसिकली प्लस ही करते हैं। फिर यहां पे भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते, स्क्वेयर रूट ऐसे लेंगे ना ऐसे, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर द रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर। मतलब एक फॉर्मूले से हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, तीन फॉर्मूले, वन टू थ्री। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर थीटा, एक्स कह सकते हो आप एक्स कैंसिल दें तो माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, ये कितना होता है भाई वन। ये रिलेशन क्वेश्चन में आएंगे, हम यूज करेंगे वहां पे। तो यहां से सीकेंट स्क्वेयर निकालना हो तो क्या हो जाएगा वन, ये माइनस का हिस्सा किसका हो जाएगा प्लस का, वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। अब मैं स्क्वेयर रूट ले लेता हूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा सीकेंट एक्स, क्या लेंगे स्क्वेयर रूट, इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वेयर रूट वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वेयर। या टेन स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी हो टेन स्क्वेयर एक्स की, तो क्या हो जाएगी भाई देखो टेन स्क्वेयर जाएगा उस साइड प्लस का हो जाएगी इस साइड, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन। अगर टेन की निकालनी हो वैल्यू यहाँ से तो स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन। कहने का मतलब क्या है, एक फॉर्मूले से तीन, एक से तीन, तो हमें ये याद रखना है ये रिलेशन है सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर, क्योंकि हम जब क्वेश्चन में ये यूज करेंगे तब कहेंगे भाई उस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से चीज आई ठीक है भाई। और कर देते हैं cos secant square x माइनस cos square x, ये क्या होता है भाई वन। नंबर थ्री, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि cos secant square x क्या हो जाएगा वन प्लस cos square x, क्या हो जाएगा भाई वन प्लस cos square, जो माइनस का cos square जैसा किसका हो गया प्लस का, या cos square उस साइड जाएगा तो cos square x की वैल्यू क्या हो जाएगी
कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन। अगर कोसिकेंट ही निकालना हो, क्या निकालना हो, कोसिकेंट, तो स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों साइड, ये तो स्क्वेयर रूट से टू ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कोट स्क्वेयर एक्स, क्या हो जाएगा, वन प्लस ए कोट स्क्वेयर एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस नहीं जाइए, क्या है कोट है, ये क्या है भाई, ये कोट, कोट स्क्वेयर एक्स, ये हो जाएगा कोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट कोस सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक चैप्टर था इसका हमने सारा बेसिक आज कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आप इनको रन कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं भाई, कमेंट कर सकते, थैंक यू।